नमस्कार, रफ्तार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि करनाल के मेरठ रोड स्थित शुगर मिल के पास एक बस हादसा हुआ है। इस बस हादसे में बहुत ही भयंकर आग लगी है। वहीं दूसरी ओर यात्री सुरक्षित निकाल ली गई है। किसी भी प्रकार की यहां पर जान जाने की खबर नहीं है। बस में आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। देखिए तस्वीरें। भाई साहब भाई साहब डब्बे जब करके कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। चलो चलो आप उतरो, हो जाएगा। जान तो बच गई, चिंता नहीं करो। जा रहे थे, अब क्या हादसा हुआ? हाँ, मैं जा रहा था करनाल से अंजन पे। मैं बच्चा था कॉलेज का, है नी। तो बस में सवारियां भरी हुई थी पूरी, तो किसी को चोट लग गया, किसी को किसी प्रकार की चोट लगी। जनान का बच्चा, आपका सामान सुन, आपका नाम तारा चंदी। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? बड़ोली, करनाल से। बड़ोली, तो कितनी सवारियां थी लगभग बस में? सवारी तो भरी पड़ी थी, पूरी थी। चोट लगी है किसी को? हाँ जी, चोट भी लगी उतारते हुए। कुछ पता लगा अभी किस वजह से आग लगी है? इंजन में आग लगी। इंजन में आग लगनी। आपका नाम? आपका नाम किसी को ट्रैकिंग नहीं होता, बचाव कर लेगा। कहाँ पर हुआ, कौन सी बस थी? बड़ोली रोड पे, जो शामली की तरफ जाती है, प्राइवेट बस है। तो पूरी तरह से जल गई है बस। हाँ, तो यात्रियों को कैसे निकाला गया? शीशे तोड़ के वगैरह से पब्लिक की सहायता से निकाला गया, सभी यात्री सुरक्षित। तो बचाव हो गया, बड़ा हादसा होता है, यात्रियों को बचाव हो गया, किसी को किसी प्रकार की कोई स्थिति नहीं। तो सर सामान सारा जल के है या नुकसान हुआ है? तो ये प्राइवेट बस थी, रोडवेज की हड़ताल चल रही है। प्राइवेट बस, तो क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? क्या जानकारी है जी आपके पास, कैसी आग लगी है? ये तार शॉर्ट की वजह से आग लगी है। कहाँ जा रही थी गाड़ी? करनाल से बड़ोली जा रही थी। तो कोई नुकसान यहाँ पर? यहाँ पे किसी का कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ गाड़ी का नुकसान है ओनली। तो कितने लोग सवार थे? लगभग 40-45 के आसपास। जी क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहा, मैं गाड़ी के अंदर ही था। इसमें थोड़ी यहाँ पीछे मुश्किल से थोड़ी दूरी, इसमें थोड़ी सी शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई, तभी हमने सवारियों को नीचे उतार दिया। किसी भी सवारी को कोई भी नुकसान नहीं है, सिर्फ एक गाड़ी का नुकसान है और किसी भी कोई चक्कर नहीं है। तो सवारियाँ कहाँ की थी? बड़ोली की। ये बस कहाँ तक जाती है? बड़ोली ये प्रशासन ने भेज रखी थी, जो रोडवेज की हड़ताल चल रही है उसके वजह में इसने उन्होंने यहाँ भेजी थी, करनाल से बड़ोली सवारियाँ भेज लेने की।